हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राहुल चावड़ा, फिर से आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। कैसे हो आप सब लोग आज? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज पूरा डिटेल में बात करेंगे येलो फंगस। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, अभी ब्लैक फंगस गया नहीं, वाइट आ गया, अब ये येलो भी आ गया है, उसने भी दस्तक दे दी है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, पूरा येलो फंगस के बारे में जानेंगे डिटेल में, बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक देखना और स्किप मत करना। तो दोस्तों बने रहिए, चलो आज का सेशन शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, येलो फंगस सिर्फ इंडिया के अंदर एक ही मरीज के अंदर देखी गई है, वो एनसीआर में गाजियाबाद के यूपी के अंदर एक मरीज है, वहाँ पे एक ही पेशेंट में देखा गया है। तो वहाँ के जो ट्रीटमेंट करते डॉक्टर ने बताया, ENT सर्जन ने, डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी ने बताया कि उन्होंने जब उस मरीज का ट्रीटमेंट करते टाइम पे उन्होंने साइनसिस का उन्होंने एक सीटी स्कैन करवाया तो वो नॉर्मल आया था। तो बाद में उन्होंने एंडोस्कोपी करवाई तो उसके अंदर उन्होंने जो रिजल्ट देखा तो वो चौंक गए। मतलब एक ही मरीज के अंदर ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है और येलो फंगस है, तीनों फंगस मिल गए हैं। तो अब डॉक्टर भी चौंक गए। ताजुब की बात तो ये है कि दोस्तों, जो येलो फंगस रहता है ना, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, वो ह्यूमन बॉडी का है ही नहीं। मतलब वो क्या एक्चुअली में जो रेंगते हुए जो जंतु होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स है, सांप है, चिपकीली है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, उसमें पाया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये एक्चुअली में येलो फंगस ह्यूमन बॉडी के अंदर आया कैसे? तो एक पहली बन चुकी है पूरे इंडियन डॉक्टर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए। तो अब ये किसी को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि मरीज के अंदर, पेशेंट के अंदर ये येलो फंगस कैसे आया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कॉज के बारे में जानते हैं कि दोस्तों एक्चुअली में ये फंगस होता कैसे है, क्यों होता है। तो आपके अगल बगल में जो कूड़ा रहता है, कचरा रहता है, तो उसके आप कांटेक्ट में आते हो ना, तो ये आपको हो सकता है। और दूसरा ये होता है कि दोस्तों आपको मतलब ओल्ड फूड, मतलब बासी खाना अगर आप खाते हैं, जैसे कि सुबह का खाना आप दोपहर में भी नहीं खाते, शाम में भी नहीं खाते और रात में खाते सुबह का खाना, तो ये नहीं चलेगा। तो इस ऐसा खाना से भी आपको ये येलो फंगस हो सकता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं किन किन लोगों को ये हो सकता है। तो दोस्तों, एक तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट कोविड पेशेंट होते हैं जिन्होंने भर भर के मिथाइल प्रेडनिसोलोन के स्टीरॉयड लेते हुए हैं, तो उनको ये हो सकता है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि ये म्यूकोरमाइकोसिस में भी, ब्लैक फंगस में भी डायबिटिक पेशेंट को खतरा रहता है, सिमिलरली येलो फंगस में भी खतरा रहता है। तो दोस्तों, अब सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। सिम्टम्स में क्या एक्चुअली में सबसे पहला होगा आलसीपना। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आलस आएगी, कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, मतलब बैठे रहेंगे, बेचैनी होगी, तो उसको लिथार्जी बोलेंगे, तो ये हो गया। दूसरा, लॉस ऑफ वेट, आपका वेट बॉडी का कम होता जा रहा है, आपको ऐसा अंदर से फीलिंग होगा, तो ये भी आपको हो सकता है। सामने वाला भी बोल देगा क्या, तेरा वेट तो हर दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो ये एक रिमार्केबल पॉइंट है। तीसरा, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी, आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो ये सिम्टम तो नहीं आपको। उसके बाद हार्ट रेट थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर बॉडी वीकनेस लगती है और बॉडी पेन भी होने लगती है और नाक का बंद हो जाना, तो ये सब प्राइमरी सिम्टम्स है। और अगर उससे आगे बढ़ के एक्सट्रीम लेवल की बात करें, तो एक्सट्रीम लेवल में क्या होता है दोस्तों कि जो आपके बॉडी के अंदर जो वुंड रहता है, घाव रहता है, तो वो क्या करता है, ये येलो फंगस उसको प्रॉपर तरीके से जल्दी से हील नहीं करने देता, प्रोसेस को लंबा कर देता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसकी प्रोसेस को लंबा कर देता है, जल्दी से हील नहीं कर पाता। तो अगर वो जल्दी से हील नहीं कर पाता है तो दिक्कत आ सकती है। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि दोस्तों, आपके जो वो वुंड में से एक मवाद निकलने लगता है, मवाद इन द सेंस के एक पस फॉर्मेशन होता है। तो अब ये सब होता है तो क्या हो दोस्तों, होता है कि सेप्टिसीमिया का खतरा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। अगर सेप्टिसीमिया का खतरा बढ़ जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, तो आपके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो सब खराब होने लगते हैं, किडनी है, लीवर है, सब कुछ खराब होने लगता है, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसलिए तो इसको येलो फंगस के बहुत ही डेंजर और घातकी जानलेवा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, येलो फंगस इज मोर डेंजरस देन द व्हाइट फंगस एंड ब्लैक फंगस, ये आपकी सोशल मीडिया के अंदर आपने यहाँ पे कहीं पे भी आर्टिकल्स में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, यही एक रीजन होता है।
तो दोस्तों अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में क्या होता है कि दोस्तों एम्फोटेरिसिन बी है इंजेक्शन, पोसाकोनाजोल है, आइसावुकोनाजोल है। तो अभी क्या इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूजेबल जो है तो वो है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस, जो अभी उसकी किल्लत है, मतलब जल्दी आसानी से मिल नहीं पाते। लोग बोलते हैं कि इसके जो बहुत शॉर्टेज है, जल्दी से मिल नहीं पाता है। तो अभी क्या इंडिया के जो गुजरात स्टेट में अभी 5,000 से ज्यादा उसको वायल्स गुजरात गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बस दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, बस ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों मैंने आपको शेयर कर दी, आज कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बस दोस्तों ऐसे ही नए अच्छे कंटेंट लेके मैं फिर से आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।